गाइस कॉर्नफ्लेक्स तो आप सभी खाते होंगे क्या? आपको गाइस पता है कैसे कॉर्नफ्लेक्स बनते हैं, कैसे इसे इंडस्ट्री में बनाया जाता है? तो गाइस आप ये वीडियो आगे देखते रहिए और मैं आपसे बात करूंगा इसी टॉपिक के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिल और आप देख रहे हैं फूड टेक्नोलॉजिस्ट, और आज का हमारा टॉपिक है मेकिंग ऑफ कॉर्नफ्लेक्स। तो गाइस अगर मैं आपसे बात करूं ये कैसे कॉर्नफ्लेक्स बनते हैं, तो गाइस मैं आपको बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे इंडस्ट्री में इसे फॉलो किया जाता है, जिसमें हमारा पहला स्टेप आता है मेज ग्रिट और उसमें हम कर देते हैं ऐड फ्लेवर। तो गाइस मेज ग्रिट वो है जो कि हमें ड्राई मिलिंग या उस वेट मिलिंग से प्राप्त हो, जिसके हम कॉर्नफ्लेक्स के लिए यूज होता है। इसमें हम क्या करते हैं, पहले वेट मेज ग्रिट में हम फ्लेवर जो भी हमारा फ्लेवर होता है उसमें ऐड करते हैं, जिसमें हमारा 6% सिरप होता है, 2% कुछ माल्ट सिरप होता है, जिसमें 2% साल्ट होता है, कुछ थोड़े से 1% हमारे विटामिन होते हैं। इसके बाद हम गाइस करते हैं प्रेशर कुकिंग। गाइस प्रेशर कुकिंग हम कैसे करते हैं, इसकी 2 घंटे के लिए हम 18 PSI प्रेशर पे ऐसे हमारी कुकिंग होती है, जो हमारे ग्रिट्स की कुकिंग होती है, जिसकी वजह से इसका मॉइस्चर कंटेंट 28% तक इंक्रीज हो जाता है। तो गैस कुकिंग की वजह से हमारा अगला स्टेप आता है उसका कलर चेंज हो जाना। तो गैस इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है व्हाइट और चौकी फ्लेवर में, जो कि ट्रांसपेरेंट लाइक दिखता है, जो हमारा इंडिकेट देता है कि इसकी प्रॉपर कुकिंग हो चुकी है। तो गैस इसके बाद आता है हमारा कि जो हमारा ग्रिट्स आया है वो बिल्कुल चेक किया जाता है कि बिल्कुल सॉफ्ट है और देखने में बिल्कुल व्हाइटिश अपीयरेंस होती है उसकी थोड़ी सी। तो गाइस इधर हम क्या करते हैं, हम जो हमारे ग्रिट्स कुक ग्रिट्स आते हैं उसके हम ड्राई करते हैं। ड्राई कैसे करते हैं, उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कंट्रोल कर और उसे 65 डिग्री सेल्सियस पे एयर ड्रायर के थ्रू हम उसे ड्राई करते हैं, जिसपे उसका जो हमारा मॉइस्चर कंटेंट है वो रह जाता है 20%। तो गाइस इसके बाद हम करते हैं उसकी ड्राइंग के बाद हम कर देते हैं कूलिंग। कूलिंग की वजह से गाइस जो भी हमारा बचा होता है जो भी ये हीट होती है वो निकल जाती है और इक्विलिब्रियम मॉइस्चर मेंटेन हो जाता है। तो गाइस इसके बाद आता है हमारा फ्लेकिंग रोल। गाइस फ्लेकिंग रोल एक तरह के ऐसे रोल है जो कि फ्लेक्स में जो हमारे ग्रिट्स होते हैं उसे फ्लेक्स में तब्दील कर देता है। तो गाइस इसमें हम क्या करते हैं, हम फ्लेक रोल जो कि नॉर्मली प्रोसेस 40 डिग्री या 43 डिग्री सेल्सियस पे होती है, ये प्रोसेस जो फ्लेक में तब्दील कर देती है, जो हमारे फ्लेक्स आते हैं उसके बाद में हम रोस्टिंग प्रोसेस के थ्रू निकालते हैं। रोस्टिंग प्रोसेस गाइस हमारी 300 डिग्री सेल्सियस पे फॉर कुछ सेकंड यानी कि 50 सेकंड के लिए होती है, जिसकी जगह जैसे हमारे ब्रेड रोस्ट होते हैं वैसे ही हमारे फ्लेक रोस्ट हो जाते हैं। और रोस्टिंग होने के बाद हमारे जो मेन हमारा जो फ्लेक्स होते हैं वो निकल कर आ जाते हैं। तो गाइस जो हमारे फ्लेक्स निकल के आते हैं उसका नॉर्मली मॉइस्चर कंटेंट हमारा 14 से 15% तक होता है मॉइस्चर कंटेंट। और इसके बाद अगला स्टेप हमारा ये होता है कि अगर उस पर हमें कोई स्प्रे मिनरल स्प्रे करना है या फिर कोई उसमें विटामिन स्प्रे करना है, वो उसे बाय स्प्रेइंग मेथड से हम उस पर स्प्रे कर दिया जाता है। तो गाइस यही थी कुछ कैसे कि हम कॉर्नफ्लेक्स कैसे बना सकते हैं। गाइस यही थी कुछ कैसे हम कॉर्नफ्लेक्स बनाते हैं। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और उस घंटे को दबाना ना भूलें, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट मैं वीडियो डाल रहा हूँ उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइस आज के लिए इतना ही, और मेरा नाम है अखिल और मैं आपको दिखूंगा अगली वीडियो में। थैंक यू।